हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो क्लासिफिकेशन है, एक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। दोनों के अपने सिग्निफिकेंस है, अपने इम्पोर्टेंट है। जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे आपको अपर एयरवे और लोअर एयरवे में क्लासिफाइड किया गया है। अपर एयरवे, लोअर एयरवे। अपर एयरवे आपका नोज से स्टार्ट होता है, नोज टू लैरिंग्स, मतलब इसमें नोज आ गया, ठीक है, एयर साइनस आ गए, फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, ठीक है। नोज, एयर साइनस जैसे मैगुलरी, फ्रंटल, ये एयर साइनस आ गया आपका, इसके बीच में आएगा फेरिंग्स और उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग तक, ठीक है। जो लोअर एयरवे आपका ट्रेकिया से स्टार्ट होता था, ट्रेकिया, ब्रंकाई, ब्रंकियोल, एल्वियोलाई, ये तुम्हारा लोअर एयरवे हो गए, ठीक है। ये तुम्हारा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शन के बेसिस पे। तो इसके बेसिस दो पार्ट, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट जो एयर को कंडक्ट करता है, दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। तो कंडक्टिंग पार्ट नोज टू टर्मिनल ब्रांकियोल, ये एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये एयर को नोज से लेके कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए नोज टू टर्मिनल ब्रांकियोल तक बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और जो रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल, अब एक चीज़ यहाँ से और आपको क्लियर होना कि सिर्फ एल्वियोलाई ही गैसेज एक्सचेंज में नहीं, ब्रांकियोल का जो लास्ट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी, इसीलिए उसका नाम ही रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल दिया गया, क्योंकि वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता। तो जो हम लोग याद करते आए हैं कि एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता, तो आज से यहाँ पे याद करना है रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एल्वियोलर सैक, दोनों को मिला के बोलते हैं एल्वियोलर सैक। तो कहीं लिखा है एल्वियोलर सैक तो अब तुम पढ़ते हो कन्फ्यूजन, एल्वियोलाई हम तो पढ़े थे, दोनों मिला के एल्वियोलर सैक। तो हो सकता है दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एल्वियोलर जो सैक है वो किस में पार्टिसिपेट करता है, गैसियस एक्सचेंज में। इतना चीज क्लियर है, एनाटॉमी, फंक्शनल बेसिस, क्लासिफिकेशन। पहला पार्ट हम पढ़ते हैं अपर एयरवे एग्जामिनेशन। यहाँ पे ध्यान देना, हम यहाँ पे सारी चीज, मतलब एक्चुअली अपर एयर में आप परकसन और अस्कल्टेशन तो करोगे नहीं, ऑब्वियसली इंस्पेक्शन होता है, थोड़ा बहुत आप पाल्पेशन कर सकते हो, तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना। हम चार सिस्टम एग्जामिनेशन, तो अपर एयर में भी आप अस्कल्टेशन और परकसन नहीं करेंगे, तो बेसिकली मैक्सिमम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और थोड़ा बहुत पाल्पेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था अपर एयर में क्या, नोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे जैसे ये मैगुलरी एयर साइनस, मैगुला बोन है, इसके अंदर जो साइनस है मैगुलरी, यहाँ पे फ्रंटल बोन जो फ्रंटल एयर साइनस, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों करते हैं अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आया फेरिंग्स, फेरिंग्स में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एक एडिनोइड और एक टॉन्सिल, इनका इन्फेक्शन हो जाए एडिनोइटिस, टॉन्सिलाइटिस, तो रेड इन्फ्लेम्ड होगा, और यहाँ पे कोई चीज़ है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, तो इसलिए सिग्निफिकेंस है। लैरिंग्स का एग्जामिनेशन के लिए लैरिंगोस्कोप यूज करते हैं, लैरिंगोस्कोप दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपने कोई सा देखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो हम जिससे इंटूबेट करते हैं हम उसमें होकर के डायरेक्टली देख रहे हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट लैरिंगो जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट में माउथ में ही एक वो होता है, मिरर लगा होता, उस मिरर के द्वारा देखते हैं, तो एक्चुअली जो एग्जामिनेशन में यूज करना चाहिए वो इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप को प्रिफर करना चाहिए। और जो हम लोग पेशेंट को इंटूबेट करते हैं, ठीक है, इंडोट्रेकियल इंटूबेशन करते हैं, वहाँ पे एयरवे सपोर्ट देते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। यूजुअली हम एग्जाम में, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती तो करते नहीं हैं, वो अलग बात है, लेकिन लैरिंग्स का एग्जामिनेशन के लिए आप लैरिंगोस्कोप चाहिए, आप ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके का होता है, इसमें हम इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, रेड है, ठीक है, पेनफुल है, ये सारी चीज़ इसको फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब उसको कायदे से मुंह ओपन करके आप देख सकते हो, टॉन्सिल दिख जाता है, ठीक है, ये स्पेशली जब इलाज होगा एडनॉइड, ये सब दिख जाएगा, ठीक है। एयर साइनस में अब आपको देख के नहीं, यहाँ पे पालपेट करना है, आपने क्या किया यहाँ पे ऐसे पालपेट किया, अगर यहाँ पे टेंडरनेस है, पेन है, उसको पेन है, टेंडरनेस, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, इसका मतलब कि मैगुलरी साइनोसाइटिस है, आप कर लिए डायग्नोस ना, ठीक है, पेन का कंप्लेंट बता रहा है, यहाँ रेडनेस है, ठीक है, और उसको टेंडरनेस है छूने पे, और ये पार्ट होता है नेजियान, इसको क्या बोलते हैं नेजियान, अगर नेजियान पे है, ठीक है, यहाँ पे आप पालपेट किए, यहाँ पे आपको टेंडरनेस है, इसका मतलब उसको
फ्रंटल साइनोसाइटिस है, ठीक है। अब नोज में क्या देखना, नोज में देखो पता लगा नोज नेजल फ्लेयरिंग हो रही, नॉर्मल ओपनिंग जहाँ हाँ अच्छा खासा हो रहा, इसका नेजल फ्लेयरिंग है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को बताता है, ठीक है। दूसरा नेजल पॉलिप कॉमन होता है बच्चों में, आप ENT पढ़ रहे हो, ENT में देखोगे नेजल पॉलिप। एक होता है डिबेटेड नेजल सेप्टम, सेप्टम का डेविएशन है, ठीक है। एक बात याद रखना, हर किसी का थोड़ा बहुत एकदम स्ट्रेट नहीं होता, हर किसी का थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा डेविएट ना हो कि आपका रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करे, ठीक है। तो अगर इतना डिबेटेड नहीं है तो बहुत परेशान होने के, सबका एकदम स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा बहुत डिबेशन हर किसी ना किसी का होता है, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा डिबेटेड है कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तब आपको जो डेनस के लिए सर्जरी किया जाता है या जो और सारे प्रोसीजर होते हैं वो करना होता है, ठीक है। हो सकता है उसको ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा हो, बच्चे क्या आते हैं नोज प्रिकिंग बहुत करते हैं, नोज प्रिकिंग करे टाइट वो था उसको कर दिए ब्लीडिंग करे, या जो हाइपरटेंसिव लोग होते हैं उसमें ब्लीड हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा था, मोस्ट कॉमन आर्टरी ब्लीडिंग एपिस्टेक्सिस नेम आर्टरी जी स्पिनोपेडनल, वेरी गुड स्पिनोपेडनल, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, वेरी गुड, ठीक है। लार्जेस्ट ब्रांच होती है इसको बोलते हैं आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस, हमारे समय में क्वेश्चन पूछा आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस का नाम बताओ, एपिस्टेक्सिस मोस्ट कॉमनली ब्लीड होता है इसलिए उसको बोलते हैं आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। ब्लीडिंग हो सकता है फॉरेन बॉडी, ठीक है, बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं अंदर नोज में, फॉरेन बॉडी हो गई और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मान लो कोई बच्चा था अगर खा रहा ना फुल मूँगफली डालना यहाँ डालने के बाद वीडियो गेम के खिलाफ कुछ देख रहा था नाक में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डालेगा तो एक तरफ ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, दूसरी तरफ नेजल सेप्टम को डेविएट कर देगा, एक तरफ तो एक खुद ही ऑब्स्ट्रक्ट किया, दूसरी तरफ नेजल सेप्टम को पूरा ब्लॉक कर दिया, ज़्यादा ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक। कोई फॉरेन बॉडी या कोई चीज़ कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ा है तो बॉडी क्या करता है उसके चारों तरफ उसको घेरने की कोशिश करता है ना, वहाँ पे बढ़ाते ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो आपको नेजल फ्लेयरिंग, नेजल पॉलिप, DNS, ब्लीडिंग डिस्चार्ज, फॉरेन बॉडी और ये तुम्हारा अपर एयरवे में एग्जामिनेशन। अब मैं एक जो पॉइंट लिख देता हूँ, इसमें क्या करेंगे बेसिकली, इंस्पेक्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो जैसे मैगजिलरी साइनस का था पाल्पेशन करेंगे, दो चीज़। यहाँ पे आप अस्कल्टेशन और परकसन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लोअर एयरवे एग्जामिनेशन। एक्चुअली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन एग्जामिनेशन होता है वो लोअर एयरवे एग्जामिनेशन या जिसे बोलते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन या लंग्स का एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको चारों पार्ट मिलेगा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन और अस्कल्टेशन। तो इंस्पेक्शन में हम क्या क्या देखते हैं, मैंने बताया था इंस्पेक्शन में पेशेंट को कभी टच नहीं करना होता है, ठीक है, आपको सिर्फ देख के बना। तो सबसे पहला शेप ऑफ चेस्ट, ठीक है, लोअर शेप ऑफ चेस्ट। अब शेप ऑफ चेस्ट सिमेट्रिकल हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है, मान लो जैसे ये बच्चा है, ठीक है, इसका हम गोल इसके लिए इसको करना पड़ेगा, ठीक है, सिमेट्रिकल हो सकता है, एसिमेट्रिकल होता है, हो सकता है चेस्ट एक्सपोज करो, ठीक है, सिमेट्रिकल हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है। अब ये एसिमेट्रिकल किस किस के कारण हो सकता है, स्टर्नम के कारण है या फिर वर्टिब्रल कॉलम के, चेस्ट में दो चीज़ें हैं, स्टर्नम है या वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम की दो डिफार्मिटी होता है, एक होता है पेक्टस कैरिनेटम जिसे बोलते हैं पिजन चेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो चेस्ट होता है इंटीरियर में ऐसे उभार होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पिजन चेस्ट या पेक्टस कैरिनेटम। एक होता है पेक्टस स्केवेटम, पेक्टस ये एक्सट्रीम प्रीमैच्योरिटी, इसमें क्या हो, ये जो स्टर्नम होगा इनवर्ड बेंडिंग होगा, इनवर्ड बेंडिंग होगा ऐसे अंदर की तरफ धंसा होगा, अंदर की तरफ धंसा होगा ऐसे, ये होगा पेक्टस स्केवेटम एक्सट्रीमली प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न में, जैसा हम न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन बताए हैं। और जो उसमें पेक्टस कैरिनेटम होगा इसमें इस साइड में से ऐसे, जैसे कबूतर का देखो पिजन का ऐसे बाहर निकला होता है ऐसे होगा निकला होगा, ये जो स्टर्नम है इस तरफ बाहर की तरफ बल्ज होगा, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा, एक होता है बैरल शेप चेस्ट, COPD अस्थमा होता है बैरल शेप चेस्ट, ढोलक देखे हो ना, यूजली क्या होता है जैसे हमारा देखो जो यहाँ से हम ये पीछे है, ठीक है, ये जो डायमीटर वो आगे इसे एंटीरियर डायमीटर बोलेंगे, जैसे ये चीज़, ठीक है,
ठीक है। और जो ये वाला होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। देखने से लग रहा है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर काफी आता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डाटा, ये एपी डायमीटर हुआ, यहाँ से पीछे एपी डायमीटर, ठीक है, हम इस साइड से मेजर कर लेंगे। और ये तुम्हारा, ये जो है ये तुम्हारा क्या हुआ, ट्रांसवर्स। तो एपी डायमेंशन हमेशा कम होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, लेकिन बैरल शेप चेस्ट में होगा, ढोलक देखे हो कभी, उसका उल्टा हो जाएगा। जो एपी डायमीटर होता है वो ट्रांसवर्स डायमीटर से ज्यादा हो जाता है। तो क्या होगा, बैरल शेप फॉर्मेशन के लिए एपी डायमीटर इज मोर देन ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, एपी डायमीटर इज मोर देन ट्रांसवर्स बैरल शेप। ये एक्चुअली इसमें अब क्या होगा, पूरा ये शेप इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो आपका स्टर्नम के दो, और तीसरा दूसरा चीज है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की दो तीन एनामली हैं, एक होता स्कोलियोसिस, एस है ना, तो याद करो साइड वाइज बेंडिंग, एक साइड का जो वर्टिब्रल कॉलम है एक साइड में बेंड कर गया, ठीक है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम ये था, इस तरह एक साइड बेंड कर दिया, एक साइड में लेटरल, तो इसमें क्या हुआ, लेटरल बेंडिंग होगा, ठीक है, लेटरल बेंडिंग। अगर लेटरल बेंडिंग होगा तो स्कोलियोसिस बनेगी। एक टर्म है काइफोसिस, काइफोसिस में क्या होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, ठीक है, बेंडिंग फॉरवर्ड होगा, लेकिन जो ये सारा बनेगा, सो इसको बैक मान लो, इसको आगे, तो आगे की तरफ बेंड किया है ना, ये बेंड किया, ये बेंड किया, बीच में गड्ढा बना, समझो इस बात को, टर्म का समझो, बुक में लिखा है फॉरवर्ड बेंडिंग, तो तुम इसको नहीं समझना, बेंड तो ये किया ना, ये किया है, ठीक है, या दूसरा कहो बैकवर्ड में हम्प बन जाता है, इसी जो काइफोसिस को ही कुबड़ बोलते हैं, कुबड़ नाम सुने हो, कुबड़ हिंदी में बोलते हैं कुबड़, ठीक है, अरे उसमें पाया जाता है ना कैमल में, ठीक है, ऊंट, ठीक है, काइफोसिस। एक टर्म होता है गिब्बस, एक्चुअली ये गिब्बस कुछ नहीं होता, काइफोसिस ही होता है, जब जो हमारे पास एक स्पाइन होता ना, स्पाइन, अगर स्पाइन की डिफॉर्मिटी के कारण काइफोसिस बन रहा हो, स्पाइन की एक डिजीज होता है कैरीज ऑफ स्पाइन, नाम सुने हो, कैरीज ऑफ स्पाइन, कैरीज ऑफ स्पाइन, कैरीज ऑफ स्पाइन डिजीज के कारण अगर काइफोसिस है तो उसी को नाम देते हैं गिब्बस, ठीक है। हालांकि गिब्बस पॉट स्पाइन में भी मिल सकता है, ठीक है, तो गिब्बस और काइफोसिस लगभग सेम चीज है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के नाम लिया हुआ बैरल शेप, तो ये आपका शेप ऑफ जेसेस्ट। अब आपको जैसे मान लो ये है, आपको खड़ा होके आपको देखना, ठीक है, जैसे इसका चेस्ट नॉर्मल है, दोनों साइड का शेप बराबर है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं। अब तुम्हें वैसे तो अपरेंटली दिख जाएगा, लेकिन आपको बैक का है, एक साइड में वो करके बैक पीछे हुआ थोड़ा सा, ठीक है, इसका ये भी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, समझ में आ गया ना, वो दिखेगा अपरेंटली दिखेगा, जब दिखेगा तो और अच्छे से वो एग्जामिनेशन करेंगे और चीज आएंगे। तो इंस्पेक्शन में आप जैसे नोज से स्टार्ट किए, नोज क्लियर है, डीएनएस नहीं है, ठीक है, कोई नेजल पॉलिप नहीं, कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, मुंह खोलो बेटा, अच्छे से खोल के, अब इसके लिए हमको एक टार्च चाहिए, टार्च से हम उसका टॉन्सिल वगैरह एडनॉइड वगैरह सब कुछ देख लेंगे, और अगर और एग्जामिनेशन करना है तो हमें लैरिंगोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लैरिंगो स्कोप की भी जरूरत पड़ेगी। मुंह खोलो बच्चा, अच्छे से करो, कब बोलो आ, बोलो आ, जीभ बाहर निकालो, जीभ बाहर निकालो, जी हाँ, जीभ बाहर निकालो, जीभ बाहर, और बाहर निकालो, देखो ये दिख रहा है, युबला दिख रहा है, उसके बगल में टॉन्सिल होता है, ठीक है, जब स्वेल होता है तो दिखता है, दिख जाता है, टॉन्सिल एडनॉइड दिख जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अपर एयरवे के लिए था, लोअर इंस्पेक्शन में आप शेप देखिए, शेप में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब कुछ बताए, ठीक है। दूसरा चीज जो शेप में है, इंस्पेक्शन में, रेस्पिरेटरी रेट, ध्यान देना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आपको पूरा एक मिनट तक काउंट करना है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आप रेस्पिरेटरी रेट पूरा एक मिनट में काउंट करना है। आप यहाँ पे 6 सेकंड या 10 सेकंड काउंट करके, मान लो 10 सेकंड काउंट करके 6 से मल्टीप्लाई दे कर दिए, ये नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको एक मिनट में, क्यों? क्योंकि इसमें पीरियोडिक ब्रीदिंग होता है, बीच में तेज सांस लेगा, फिर स्लो सांस लेगा, बीच में सांस भी नहीं लेते, ठीक है, स्पेशली छोटे बच्चों में। अगर बड़ा बच्चा है तो चल सकता है, लेकिन हम लोग मान ही लेते पूरा एक मिनट तक काउंट करना है। आप साइड में खड़े हो गए और उसका मूवमेंट देख लिए, अब चाहे चेस्ट का मूवमेंट देख लो, चाहे एब्डोमेन का। जब आप ये ध्यान देना, दो मत काउंट करना, एक ऊपर आया वन, फिर ऊपर ही देखना है टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से पूरा एक मिनट तक काउंट करेंगे। तो बेसिकली ऐसा नहीं, ब्रेडिपनिया भी होता है, टैकिपनिया होता है, लेकिन हमारे लिए टैकिपनिया ज़्यादा, तो मोस्ट ऑफ द जब भी कोई कंप्रोमाइज तो सांस तेज लेता, तो टैकिपनिया। तो ये एज के बेसिस पे जो तुम याद किए थे, अभी तक क्या था, निमोनिया वाला ये हम पढ़ते आ रहे थे कि अगर दो महीने से कम है, साठ से कम होना चाहिए, साठ से ज़्यादा होता टैकिपनिया हुआ, दो महीने से एक साल तक के बीच में है तो पचास से कम होना चाहिए, पचास से पचास से ज़्यादा हुआ तो टैकिपनिया, और अगर एक से पाँच साल है तो 40 से कम होना चाहिए, 40 से 40 से ज़्यादा हुआ तो टैकिपनिया। लेकिन जब कोविड आया ना, तो कोविड तो और लाके आया, और भी बड़े अच्छे थे, तो अगर पाँच साल या पाँच साल से ज़्यादा है कोई भी, उसके 30 या 30 से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए टैकिपनिया हो जाएगा। हालांकि एडल्ट में नॉर्मल आप पढ़े हो 12 से 18, ठीक है 12 से 18 पढ़े हो, लेकिन जो टैकिपनिया का डिफिनेशन है वो 30, ठीक है। आपने एक निमोनिया का हॉस्पिटलाइजेशन का क्राइटेरिया पढ़ा होगा एडल्ट में, कर्व 65, कोई फुल फॉर्म बताएगा? अब ये सब पीजी के क्वेश्चन हैं, हम लोग इस तुम्हारे अवस्था में थे, सेकेंड ईयर में थे, कर्व 65 बैठा होता था। सी से था कन्फ्यूजन, यू से था यूरेमिया, आर से था उसका आर आर 30 के ऊपर हो, ठीक है कर्व। बीपी था, बी से था बीपी था 90/60 से कम हो, ठीक है तो हाइपोटेंशन हो गया, इनडायरेक्टली हाइपोटेंशन। और सी से था मतलब 65 से 65 या उससे ज़्यादा एज है, मतलब पीरियाडिक एज ग्रुप तो लिमिट करना है, रिस्क है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कर्व 65 याद करते, हॉस्पिटलाइजेशन का क्राइटेरिया है, पांच क्राइटेरिया थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट खास बात है, एक मिनट तक पूरा काउंट करना है, इसके बेसिस पे आप टैकिपनिया ब्रेडिपनिया। किसी का भी रेस्पिरेशन अगर 10 से कम हो गया, बड़ा बच्चा हो या एडल्ट, तो उसको ब्रेडिपनिया बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ होता है एपनिया, एपनिया बेसिकली न्यूनेट में होता है, तो उसके लिए डिफिनीशन है कि सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन 20 आर मोर देन 20 सेकेंड, ठीक है, एक ये डिफिनेशन है। दूसरी डिफिनेशन है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन 10 आर मोर देन 10 सेकेंड विथ यहाँ पे लग गया साइनोसिस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, तो साइनोसिस ऑफ ब्रेडिकार्डिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, साइनोसिस के लिए मैं क्राइटेरिया SpO2 का क्या बताया था, लेस देन 85, वेरी गुड, मैंने बताया था लेस देन 85, अगर किसी का SpO2 85 से पड़ता। और यही चीज ब्रेडिपनिया न्योनेट में यूजली 100 से ऊपर होना चाहिए, तो 100 से कम जब हम न्योनेटल रिसेप्टर या NRP पढ़ाते हैं, 100 से कम में ब्रेडिकार्डिया होता है। लेकिन जो एपनिया में है, एपनिया में अगर 85 से कम हो तब हम कंसीडर करते हैं, मतलब कोई 10 मिनट तक सांस भी रोक लिया और उसका हार्ट रेट आप साथ ही साथ देख रहे थे वो भी 85 से कम हो गया, तो आप क्या करें, लेबल करेंगे एपनिया लेबल करेंगे, या उसका सेचुरेशन 85 से कम हो गया, 10 सेकंड तक सीजेशन भी था और साइनोसिस भी नहीं था, ब्रेडिकार्डिया भी नहीं था, लेकिन उसका सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन 20 सेकंड या उससे ज़्यादा हो गया, तो एलोन में जब रहेगा 20 सेकंड, ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है एपनिया का, ये न्यूबॉर्न में होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज होता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एक्सटर्नली, हम मतलब देख के होता क्या, तो जैसे तुम लोग पढ़ते हो बार बार कन्फ्यूज, कहीं एब्डोमिनल कहाँ लिखना है, कहाँ एब्डोमिनल थोरेसिक लिखना है, कहाँ थोरेसिक लिखना है, तो यूजली क्या होता है 1 ईयर से कम है तो एब्डोमिनल बोलते हैं, ठीक है, एब्डोमेन का मूवमेंट ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। 1 से 7 साल के एब्डोमिनल थोरेसिक, लगभग एब्डोमेन जितना मूव करता है इंस्पायरेशन में मूव करेगा बाहर की तरफ, तो इंस्पायरेशन में जितना एब्डोमेन मूव करता है यूजली उतना थोरैक्स भी, लंग्स एरिया भी मूव करता है, तो इसलिए इसको एब्डोमिनल थोरेसिक बोलते हैं। अगर 8 साल या 8 साल से ज़्यादा एडल्ट में जो थे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या थे, थोरेसिक लिखते हो ना, अगर 1 साल से कम है एब्डोमिनल, तो एब्डोमिनल क्या है, एब्डोमिनल थोरेसिक क्या है, थोरेसिक का मतलब क्या है, जो ज़्यादा मूव कर रहा है दोनों बराबर पर उसके बेसिस पे। तो आपको इसे ये कितने साल की बेटा हो, 8 साल का, तो अब इसका कहाँ में देखना है, चेस्ट देखना है, मूव दोनों कर रहा है, सांस लो गहरी गहरी, ठीक है,
चेस्ट ज़्यादा मूव कर रहा है रिलेटिवली, एब्डोमेन कम, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो है जो लिखा है 7 to 8 ईयर, तो 8 साल की है, हो सकता है 8 साल चल रहा है, तो इससे बहुत फिक्स नहीं। अब आपको देखना है, मैंने ये एज बता दिया तो आपको एक रफ आइडिया रहे, आपको देखना है वहाँ पे क्या। मान लो कोई 8 साल से ज़्यादा है, हो सकता है उसका एब्डोमेन थोरेसिक बराबर मूव कर रहे हैं, तो आपको एब्डोमेन थोरेसिक लिखना है। ये एक रफ आइडिया है, ठीक है, कि इतने इतने एज पे ऐसे ऐसे होती है, समझाए, ठीक है। एक मिनट तो पूरा वो करना है। दूसरा चीज एसेसरी मसल का इन्वॉल्वमेंट, आप इंस्पेक्शन में देखेंगे पता लगा उसको अच्छा खासा, इसका मतलब एला नजाई की फ्लरिंग ज़्यादा, एला नजाई इन्वॉल्व हुआ है, डिफिकल्टी है, ठीक है। दूसरा एला नजाई, दूसरा ट्रेपीजियस। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान दो, ये मैंने एसेसरी मसल लिखा है, जो मेन मसल होती है वो कौन सी होती है, डायफ्राम होती है, और एक्सटर्नल आवलिक और इंटरनल। डायफ्राम दोनों में हेल्प करता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में डायफ्राम फ्लैट होगा, ऊपर से दबेगा, एक्सपायरेशन में ऊपर मूव करेगा, तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों, ठीक है। अब दूसरी बात है, जो एक्सटर्नल होती है वो इंस्पायरेशन में हेल्प करता है, और इंटरनल एक्सपायरेशन में। तो ये तीन मसल प्राइमरी होती हैं। अब प्राइमरी बोचा जाए प्राइमरी एक्सपायरेशन की, तो डायफ्राम प्लस इंटरनल इंटरकास्टल, और अगर पूछा जाए इंस्पायरेशन का तो डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो तुम्हारा रेस्पायरेशन होता है वो इंस्पायरेशन, क्वाइट इंस्पायरेशन, मतलब नॉर्मल सांस रहे हो तो सांस लेना एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन सांस छोड़ना पैसिव प्रोसेस है, ये ध्यान रख। लेकिन जो फोर्सफुल आप एक्सपायरेशन करते हो वो एक्टिव हो जाता है, तो ध्यान देना, नॉर्मल या क्वाइट ब्रीदिंग जो होता है वो आप एक्टिव होता है इंस्पायरेशन, और पैसिव होता है एक्सपायरेशन। लेकिन आप जो फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हो तो वहाँ एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों एक्टिव हो जाता है, तो इस पे छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ट्रेपीजियस हो गया, सीरेटस इंटरनल पेक्टोरलिस मेजर हो गया, एब्डोमिनल मसल, स्टर्नोक्लियोडोमस्टॉइड, ये इसलिए क्योंकि पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेसरी मसल। तो अगर आपको डायफ्राम दिया हो, डायफ्राम प्राइमरी मसल है, एसेसरी नहीं है, ठीक है, और इन चारों में से कोई मान लो ऐसा दे दिया गया मसल, ठीक है, जो यहाँ की है ही नहीं, ब्रेकेलिस दे दिया गया, तो ब्रेकेलिस कौन सा, वो तो एसेसरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं हेल्प करती। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये सारे मसल के नाम याद रखना, ठीक है। अब जैसे एब्डोमिनल मसल लिखा है तो अब जरूरी नहीं एब्डोमिनल मसल ऐसे लिख दे, हो सकता है वो लिखे एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनिस, तीन एब्डोमिनल मसल होते ना, तो इस तरह से पूछ सकता है। अब वो ऑप्शन में दिया है तो आप उसको छोड़ना, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनिस, ये तीन एब्डोमिनल मसल होती। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ या मोमेंट ऑफ एसेसरी मसल देखना, ये क्या बता देगी, इनडायरेक्टली बता देगी रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि ये एसेसरी लिखा है, तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इन्वॉल्व नहीं होती। जब रैपिड ब्रीदिंग होगी, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस होगी, तो ये मसल इन्वॉल्व होगी, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंस्पेक्शन का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टाइप ऑफ ब्रीदिंग। ये एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग जो होता है बेसिकली 5 तरीके के होता है। इसको याद कैसे लेंगे, पहले तो नाम याद करना, केबीसी का नाम, तो केबीसी पावर, मतलब केबीसी का क्या पावर है, ठीक है, केबीसी पावर याद करें। के से है उस्माउल ब्रीदिंग, ठीक है, बी से है बाय टॉट्स ब्रीदिंग, क्या, बाय टॉट्स ब्रीदिंग, सी से है साइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, ठीक है, साइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, और पी पावर से दो है, एक पीरियोडिक ब्रीदिंग होती है, एक पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग होती है, पीरियोडिक ब्रीदिंग, पैराडॉक्सिकल। तो ध्यान दिए कुसमाउल ब्रीदिंग होती क्या है, कुसमाउल ब्रीदिंग में क्या होगा, ये डीके मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या कोई भी कंडीशन, एसिडोसिस कंडीशन। अब डीके के कारण इस स्टारवेशन में भी एसिडोसिस हो जाता है, कोई भी ऐसा कंडीशन जो एसिडोसिस कराए इसे, इसलिए दूसरा बोलते हैं एसिडोटिक ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं इसको, कुसमाउल ब्रीदिंग को बोलते हैं एसिडोटिक ब्रीदिंग। इसमें ध्यान दें, इसमें रेट और डेप्थ दोनों बढ़ा होगा, रेप्ट और देर, और कोई पॉज नहीं होगा, कंटिन्यूअस रेट बढ़ा हुआ होगा, रेट मतलब फ्रीक्वेंसी, एक मिनट में ज़्यादा बार सांस ले रहा है, और डेप्थ मतलब गहरी डीप। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया, ये एक नॉर्मल रेस्पायरिंग पैटर्न है, ये जो इधर है ये क्या है, रेट है, ठीक है, ये रेट उसी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ये डेप्थ है, डेप्थ को एम्पलीट्यूड, कितना ऊपर नीचे जा रहा है,
ठीक है, ये क्लियर, ये नॉर्मल वाला है, पहला पहला डायग्राम नॉर्मल है, ठीक है, इधर रेट है, ये फ्रीक्वेंसी। अगर जैसे ये देखो इसके बीच का, दो के बीच का अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही, रेट बढ़ जा रहा है, ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कम हो जा रहा है, तो ब्रेडी तो हम दिखा नहीं रहे अभी, ठीक है। और अगर ये नॉर्मल है, ये अगर ये ऊपर नीचे ज़्यादा हो, इसका मतलब डेप्थ बढ़ गया, ठीक है, इस चीज़ को समझना, क्योंकि अभी हम इसको डायग्राम बताएंगे नहीं, कौन किसका है पूछेंगे पेन रख के, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। तो कुसमाउल ब्रीदिंग, एसिडोटिक ब्रीदिंग में तो ये मिलता है डी के, डायबिटिक कीटोसिस और यूरेमिया में। इसमें होता क्या, रेट भी बढ़ गया, डेप्थ भी बढ़ गया, लेकिन पॉज नहीं है, विदाउट पॉज या एपनिया नहीं होगा, रेट भी बढ़ेगा। देखो दूसरा, देखो बायटोस ब्रीदिंग, बायटोस ब्रीदिंग इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन, ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाए कोई भी कंडीशन से। दूसरा यूरेमिया या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इन तीन कंडीशनों में, सॉरी ये साइन स्ट्रोक ब्रीदिंग का एग्जांपल है, ठीक है। साइन स्ट्रोक ब्रीदिंग में क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज इन रेट, मैंने सिर्फ रेट लिखा है, ध्यान देना, फॉलोड बाय एपनिया, क्या होगा, तेजी तेजी के साथ सांस लेगा, उसके बाद रुक जाएगा कुछ देर के लिए, पॉज हो जाएगा, फिर तेजी ग्रेजुअली इंक्रीज रेट, मतलब जैसे रेट फिर बढ़ेगा और तेज, समझ रहे हो, रेट बढ़ रहा है कंटिन्यू, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, बढ़ते एक समझो रेट खूब बढ़ गया, फिर पॉज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, फिर जब खूब सारा रेट बढ़ गया, फिर पॉज आ जाएगा। ये है तुम्हारा साइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, ये रेज आईसीटी यूरेमिया या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में मिलता है, ठीक है। जो तुम्हारा बायटोस ब्रीदिंग है, इसको कुसमाउल ब्रीदिंग से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, यहां भी रेट बढ़ रहा है, यहां भी डेप्थ बढ़ा, लेकिन यहां पॉज है, कुसमाउल ब्रीदिंग में कोई पॉज नहीं है, इंक्रीज रेट इंक्रीज डेप्थ दोनों बढ़ा, बीच में कुछ पॉज है, फिर रेट डेप्थ दोनों बढ़ा, बीच में पॉज है। अगर विथ पॉज है तो बायटोस ब्रीदिंग, विदाउट पॉज है कुसमाउल ब्रीदिंग। ये इररेगुलर ब्रीदिंग भी होता है कभी कभी, ठीक है। जो तुम्हारा रेज आईसीटी में बायटोस ब्रीदिंग भी मिल सकता है, ठीक है। एक पढ़ते हो ना कुशिंग ट्रैड, कुशिंग ट्रैड पढ़ते हो ना, उसका दो कंपनी होता क्या, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, इररेगुलर रेस्पायरेशन। इररेगुलर रेस्पायरेशन में बेसिकली कहीं कहीं साइन स्ट्रोक दिया है, कहीं कहीं बायटोस भी हो, बायटोस ब्रीदिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो बायटोस में ध्यान, रेट बढ़ा, डेप्थ बढ़ा, लेकिन विथ पॉज है, ठीक है। साइन स्ट्रोक में ग्रेजुअली इनकी रेट फॉलोड बाय एपनिया, पीरियोडिक ब्रीदिंग या इररेगुलर रेस्पायरेशन विथ एपनिया, इररेगुलर रेस्पायरेशन होगा, कभी कभी पता लगे, कभी कभी देखो एक पहले 10 सेकंड हो सकता है, पहले 10 सेकंड में 20 बार सांस लिया, अगले 10 सेकंड में होता 5 बार सांस लिया, फिर 10 सेकंड के लिए हो सकता है स्टॉप हो, ये कोई भी 10 सेकंड में होता 5 सेकंड के, कोई पैटर्न ही नहीं है पीरियोडिक ब्रीदिंग का। इररेगुलर रेस्पायरेशन जैसे तुम पढ़े हो, इररेगुलरली इररेगुलर हार्ट रेट, एट्रियल फिब्रिलेशन, रेगुलरली इरेगुलर हार्ट रेट, एट्रियल फ्लटर, वैसे इररेगुलरली इररेगुलर रेस्पायरेशन बोला जाए तो पीरियोडिक ब्रीदिंग, पैराडॉक्सिकल नहीं, पैराडॉक्सिकल में बताया नहीं, पीरियोडिक ब्रीदिंग, ठीक है। पैराडॉक्सिकल के जैसे हम जानते हैं नॉर्मली अगर भाई सांस तो फेफड़े में जा रही तो चेस्ट को ज़्यादा मूव करना चाहिए, आइडली होना चाहिए, अगर चेस्ट के बजाय एब्डोमेन ज़्यादा मूव, इंस्पायरेशन हो रहा है, इंस्पायरेशन में कौन मूवमेंट करना चाहिए, चेस्ट मूव करना चाहिए, और इंस्पायरेशन बच्चा कर रहा है, पेशेंट कर रहा है, एब्डोमेन मूव कर रहा है, चेस्ट अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, सीसा देखे हो, सीसा जो झूला झूलते हैं बच्चे, सीसा मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग, एब्डोमेन अप जा रहा है, चेस्ट डाउन जा रहा है, इसको पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग या सीसा मूवमेंट। ये एक्सट्रीम न्यूनेट में कॉमन होता है, एक्सट्रीम न्यूनेट में मिलता है, ये भी एक्सट्रीम न्यूनेट में मिलता है, ठीक है। या बड़े बच्चों में, एडल्ट में कहाँ मिल सकता है, कोई जवाब देगा तो चॉकलेट, न्यूनेट में तो मिलता है, एक्सट्रीम न्यूनेट, स्पेशली एक्सट्रीम न्यूनेट में मिलेगा पैराडॉक्सिकल, एडल्ट में या बड़े बच्चे में कहाँ, अरे डायफ्राम पैरालिसिस हो गया, डायफ्राम पैरालिसिस हो गया तो चेस्ट मूव करने नहीं देगा, एब्डोमेन मूव करेगा, ज्यादा मरेगा एब्डोमेन, एब्डोमेन के लिए भाई चेस्ट, एब्डोमेन ये पैरालिसिस हो गया, ऊपर गया हुआ है, ठीक है, चेस्ट को एब्डोमेन को ज्यादा स्पेस मिल रहा, तो पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन एडल्ट में कहाँ मिलेगा, डायफ्रामेटिक पैरालिसिस, या बड़े चिल्ड्रन, हम चिल्ड्रन लिखेंगे, चिल्ड्रन न्यूबॉर्न वहाँ हो गया, ये कहाँ, डायफ्रामेटिक पैरालिसिस, डायफ्राम का पैरालिसिस है तो आपको यहाँ पे पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई।
ठीक है, जो बायटॉट्स ब्रीदिंग होता है ना, वो क्या होता है, सीएनएस डिप्रेशन में मिलता है, कोई भी कारण हो, चाहे आप ड्रग्स के कारण, चाहे कोई डिजीज के कारण सीएनएस डिप्रेशन हुआ, तो सीएनएस रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। समझो इस चीज को, रेस्पिरेटरी सेंटर को इसने स्टिमुलेट क्या हुआ, इसकी क्या हुआ, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो CO2 का है, वो करता है, सेंस करता है। अगर वो सिस्टम काम नहीं किया, CO2 सेंस नहीं किया, अब क्या हुआ, बॉडी में खूब सारा CO2 इकट्ठा हो गया। अब जब ज्यादा CO2 हो गया, जैसे कोई चीज, हर चीज का मान लो, जैसे तुम थोड़ा सा सो रहे हो, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे नहीं, जाके तुम्हारे कान पे जोर से बोलेंगे, तेज से बोलेंगे तो अलर्ट हो जाओगे। तो एक जो खूब CO2 हो गया तो ब्रेन को लगा, अरे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर क्या करेगा, अरे इतना ज्यादा CO2 है, खूब तेजी के साथ रेस्पिरेशन करेगा, इंक्रीज रेट, इंक्रीज रेट। अब खूब तेजी से साथ करेगा तो जो CO2 भरा हुआ सब वॉइस आउट कर दिया, अब देख रहा है बिल्कुल है ही नहीं, फिर सुस्त पड़ गया, ठीक है, फिर पॉज आ गया। तो वही चीज है, इंक्रीज रेट डेप्थ, जब खूब CO2 बढ़ गया, सेंस करके खूब तेज सांस लिया, अब इतना ज्यादा तेज सांस ले लिया, इतना फास्ट ब्रीदिंग किया कि CO2 पूरा वॉश आउट हो गया, कम हो गया, फिर उसको पॉज लेना पड़ा। जब पॉज हुआ फिर भूल गया, उसका सेंसिटिविटी कम हो गई, फिर CO2 बढ़ता। तो इसीलिए इसमें बढ़ेगा फिर पॉज होगा, ठीक है, ये पांचों क्लियर हुए। अब ध्यान देना है, ठीक है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन को तो हम इमेज में दिखा नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे पैराडॉक्सिकल का होगा नहीं, ये जानो पैराडॉक्सिकल आप कट गए, इमेज में दिखा नहीं रहे। अब जो बचे हैं ये मैंने नॉर्मल बता दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसको बताओ ये क्या है, दो नंबर वाला जी, इरेगुलर है, पीरियोडिक है, कहीं भी बस फिर सांस ले लिया, यहाँ देखो यहाँ पे इतना देर तक, यहाँ पे इतनी देर पे कम होने लगा, ये हो गया, कोई पैटर्न ही नहीं है, पीरियोडिक है। तीसरे नंबर का डायग्राम बायटॉट्स, रेट डेप्थ दोनों बढ़ा, पॉज हो गया, तो ये बी बायटॉट्स हो गया, ठीक है, ये पीरियोडिक हो गया, ठीक है, पहला मैंने नॉर्मल लिखा दिया है, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है चौथा जी, ग्रेजुअली, वेरी गुड, साइन स्ट्रोक, सी देखो यहां पे ध्यान, डेप्थ नहीं हुआ, रेट की बात है, यही चीज अगर जो नोटिस करेगा तो आसानी से आंसर दे जाओगे। मैंने साइन स्ट्रोक में बोला था इंक्रीज रेट फॉलोड बाय एपनिया, यहां देखो, अब इसके बीच की डिस्टेंस देखो, ज्यादा था, कम हुआ, यहाँ डेप्थ नहीं बढ़ा, डेप्थ पे ध्यान दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और यहाँ फिर एपनिया आ गया, तो ये क्या हुआ, साइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, ठीक है। अब ये बताओ लास्ट वाला, कुस्मा उल ब्रीदिंग, कुछ बचे नहीं है आपके पास, ठीक है, कहाँ इसमें एपनिया हमने दिखाया, कहीं लगातार फास्ट और रैपिड चल रहा है। अब इसको क्या चाहते हो, ब्लैक बोर्ड पूरा भर दें, यहां तक किए पूरा, डेप्थ भी बढ़ा है, रेट भी बढ़ा है, कहीं पॉज आया है, तो क्या हो गया, कुछ माहौल। तो हमने तो नहीं सारा आंसर तुम्हें बताया, मैंने तो डिफिनीशन वो बताया, सारा आंसर आपने बताया, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम्हारा इंस्पेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। एक मिनट, इंस्पेक्शन में और देख लेते हो, एक चीज, इंस्पेक्शन में अपिकल इम्पल्स देखते हैं, अपिकल इम्पल्स हर्ट का है, क्यों देखते हैं बताएंगे। एक चीज, बिंगिंग ऑफ एक्सिपुला, बिंगिंग ऑफ मतलब एक्सिपुला ऊपर जा, बिंग मतलब ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। एक होता है ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर नीचे गिरा हुआ, ठीक है। एक फुलनेस ऑफ इंटरकास्टल स्पेस, अगर कहीं इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एयर ट्रैपिंग हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो मसल है उसको बाहर की तरफ फेंकेगा, तो जो ये रिप्स होते हैं उसके बीच में इंटरनेशनल स्पेस डिप होता है, उसमें एयर भर के तो बाहर की तरफ फुला देगा, तो क्या वो फुल हो जाएगा, ठीक है, समझो। ऑब्स्ट्रक्शन में कहाँ मिलेगा फुलनेस, कहाँ मिलेगा ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयर इकट्ठा होगा ना, स्वेल करेगा, तो जो इंटरनेशनल स्पेस डिप होता है थोड़ा सा, वो बाहर की तरफ करेगा, फुल हो जाएगा, स्पेस नहीं रह जाएगा। ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर, जैसे शोल्डर गिरा हुआ है, अगर इसी साइड के लंग्स कोलैप्स हो गया तो लंग्स नीचे आ जाएगा, जैसे इतना बड़ा लंग्स है, यहाँ कोलैप्स हो गया, वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, शोल्डर नीचे नहीं गिर जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ आया। बिंगिंग ऑफ एस्केपुला, उठ जाएगा, अगर इस साइड कोलैप्स होगा तो इस साइड का शोल्डर वो हुआ, तो एक्चुअली इस साइड का डिप हुआ है, लेकिन तुम्हें लगेगा इस साइड का उठा हुआ है,
समझ रहे हो ना। तो अगर इस साइड का कंपेरिजन करोगे तो बिंजिंग आप रहेगा और जिस साइड कोलैप्स होगा तो सेम साइड आप कोलैप्स क्या मिलेगा, ग्रुपिंग मिलेगा, सेम साइड ऑफ कोलैप्स, ठीक है। अपोजिट में क्या मिलेगा, अपोजिट साइड ऑफ कोलैप्स, बहुत वो हो गया, आवाज से क्लियर करिएगा। अपिकल इंपल्स का क्या है, अच्छा ये बताओ अगर इस साइड में फ्लूड भर गया, न्यूमोथ्रेक्स हो गया, तो क्या ये हार्ट को नीचे नहीं करेगा। अपिकल इंपल्स का मतलब होता है, अपिकल पल्स या अपिकल इंपल्स का मतलब होता है आउटर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट, दो डिफिनीशन है। अपिकल इंपल्स होता क्या है, डिफिनीशन आउटर मोस्ट, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे ये हर्ट है, ये हर्ट है, तो ये वाला जो पार्ट होगा इधर आउटर मोस्ट भी होना चाहिए और लोअर मोस्ट भी होना चाहिए। जहां पे आउटर मोस्ट और लोअर मोस्ट जो मैक्सिमम विजिबल पल्सेशन होगा उसी को अपिकल इंपल्स बोलते हैं। ये जो मिड लेफ्ट साइड की मिड क्लेविकुलर लाइन खींचोगे उसके जस्ट मीडियल लिखते हैं 1 सेंटीमीटर मीडियल, ठीक है, कहीं कहीं लिखा होगा पैरेलल टू, पैरेलल या मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, ये नॉर्मली होता है। अगर ये आउटर चला गया और आउटर चला गया और लोअर चला गया, इसका मतलब कहीं लंग्स से हाइट के पैथोलॉजी के कारण तो जाएगा लेकिन लंग्स के पैथोलॉजी के कारण भी जाएगा, तो क्या हम लंग्स के एग्जामिनेशन में रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन नहीं पढ़ेंगे अपिकल इंपल्स। अगर मान लो ये है मेरा, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर पढ़ते हो, यहाँ आ गया है, इसका मतलब होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया है, इसको नीचे दबा दिया है, खूब सारा मैसिव प्रोलॉन्गेशन है लेफ्ट साइड का, उसने वो किया नीचे आ दिया है। तो इस अगर अपिकल इंपल्स शिफ्ट है तो इससे भी हम इनडायरेक्टली डिजीज का इंस्पेक्शन में तो हम देखेंगे ना, तो आपका इंस्पेक्शन में इतनी सारी चीजें देखते हैं, आपका इंस्पेक्शन